सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वीर डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर डेयरी फार्म नया शुरू करना है तो आपका उसका शेड कैसे होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आम घर पे आम पशुपालन के लिए भी शेड तैयार करना चाहते हैं तो सस्ते में आप ऐसा शेड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस शेड को डाले हुए तकरीबन 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, अभी तक मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, कैसे आपने शेड तैयार करना है, कितना इसमें खर्चा आएगा, कितने इसमें पशु आते हैं, खुरलियों का डिज़ाइन क्या रहता है, ओवरऑल इसका जो बनावट कैसी है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसकी डिमेंशंस क्या है। दोस्तों, अपना ये जो शेड है 45 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा है और इसकी जो छत है दोस्तों वो 14 फुट पर है। बात कर लेते हैं कि इसमें पशु कितने आते हैं। दोस्तों, इसमें कुल 24 पशु आ जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो लाइन है इसमें तकरीबन 12 कील लगे हुए हैं जिसमें हम एक साइड में 12 पशु बांध सकते हैं। दोस्तों, इस साइड अगर आप बात करेंगे तो इस साइड 4 कील लगे हुए हैं, आप 5 भी लगवा सकते हैं, यानी कि इस पर जो बड़े पशु हैं वो 4 पशु बन जाते हैं। दोस्तों, आगे चल के मैं आपको ये दिखाता हूँ। दोस्तों, दोनों साइड खुरलियाँ बनवाने के बाद इस साइड के दोनों साइड में छोटी खुरलियाँ बनी हुई हैं छोटे बच्चों के लिए। दोस्तों, इस पर 3 कील लगे हुए हैं, उधर वाली पर भी 3 कील लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस पर जो खाली जगह बचती है, इस खाली जगह में भी दोस्तों हमने यहाँ पर कील लगाए हुए हैं, जहाँ पर हम जो बछरू नीरा नहीं खाता, जो केवल दूध पीता है, उसको बांध सकते हैं। दोस्तों, 12 कील इधर हो गए, 4 पशु अपने इधर बनते हैं और छोटे पशु 3 इधर और 3 छोटे उधर पर बनते हैं। दोस्तों, ये कुल मिला कर हो गए 22। और दोस्तों, 2 कील यहाँ पर इधर वाली साइड और उधर वाली साइड दोस्तों हमने कुंडे लगाए हुए हैं। दोस्तों, 2 पशु यहाँ पर बच जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के अपने 24 पशु इस शेड में बड़े ही आराम से रहते हैं, पलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस पूरे शेड के खर्चे के बारे में। दोस्तों, 3 साल पहले इस शेड पर तकरीबन 1,05,000 रुपये ही खर्चा आया था। दोस्तों, आप इस शेड पर बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता तो ये जो आप लोहे के गार्डर देख रहे हैं ये मैंने कबाड़ से लिए थे, सेकेंड हैंड लिए थे, जिसके कारण इनकी जो कॉस्ट है बहुत ही कम हो गई थी। उसके ऊपर दोस्तों आप चैनर देख सकते हैं, उधर ये चैनर भी मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ किए थे। इससे आपकी जो शेड की कॉस्ट है वो बिल्कुल ही आधी रह जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर खर्चा जो होता है वो शेड के जो लोहा लगता है उस पर होता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बांस डाला गया है, लंबी तरफ से बांस डाला गया है। दोस्तों, ये जो बांस होता है इस शेड में तकरीबन 5,000 रुपये का ही बांस इस पूरे शेड में लगा है। दोस्तों, बांस पंजाब में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, बांस के ऊपर हमने डाला है सर। दोस्तों, सर की एक शीट बनाई जाती है जिसे पंजाबी में पत्तल बोलते हैं। दोस्तों, ये जो शीट है तकरीबन 1 से लेकर 150 रुपये में ही तैयार हो जाती है। इसके कारीगर पंजाब में बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी ये तैयार करवा सकते हैं और मार्केट में ये बनी बनाई यानी कि रेडीमेड भी मिलती हैं, वहाँ से परचेज़ करके अपने शेड के ऊपर डाल सकते हैं। दोस्तों, शीट से तकरीबन पड़ेगी आपको 2,500 से 3,000 रुपये में, अब हो सकता है कि 4,000 की पड़ जाएँ। दोस्तों, इस सर की शीट के ऊपर हमने एक पॉलीथीन लगाया हुआ है। दोस्तों, इस पॉलीथीन की भी कीमत तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये ही रहती है। पूरे शेड के ऊपर आपने पॉलीथीन डाल के उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। दोस्तों, जो पॉलीथीन है इस शेड को लीक होने से बचाएगा। दोस्तों, इससे आपकी शेड की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, आपका शेड काफ़ी टिकाऊ हो जाता है। दोस्तों, मिट्टी आप 2 या 3 इंच अपने अनुसार डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये लीक करता है या नहीं। दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर 2 साल में सिर्फ 1 बार मिट्टी डालेंगे तो ये बिल्कुल लीक नहीं करेगा। अगर आपका एरिया जो है वो ज़्यादा बारिश वाले एरिया में आप रहते हैं तो उस पर आप 1 साल में 1 बार मिट्टी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस शेड की बनावट की। दोस्तों, खुरलियों का डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया, पशु बांधने का डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़र्श की। तो दोस्तों, इसकी जो फ़र्श है, ये दोनों साइड की फ़र्श की जो ढलान है वो बीच की तरफ है। दोस्तों, इस शेड की 2 तरीके से ढलान दी गई है, एक तो दोनों खुरलियों की तरफ से बीच की ओर और एक उस साइड से इस साइड की ओर। अपने पशुओं का जो पेशाब है पहले तो इस खाई में कलेक्ट होता है, फिर उधर से सारा पेशाब कलेक्ट होकर के अपने शेड के बाहर बड़ी ही आसानी से चला जाता है। आप देख सकते हैं ये जो शेड है पूरा सूखा रहता है। आप इस शेड के दूसरी ओर देख सकते हैं कि दोस्तों पक्की छत वाला शेड बनाया गया है, जिसकी ऊपर की जो छत है वो ईंटों की है। दोस्तों, उस शेड के मुकाबले इस शेड में तकरीबन 2-3 डिग्री तक का जो तापमान है वो कम रहता है। तो दोस्तों, इस कमरे की गर्मी को और कम करने के लिए एक इसमें चाहिए और भी बहुत ज़्यादा कारगर है, वो है ये जाली।
दोस्तों ये जो जाली है वो ईंट की बनी हुई है, आप अपने जो मिस्त्री है जो कारीगर है उससे डिस्कस करके ये बनाई गया। आपके इस जाली से आपकी जो बारिश की नमी आपके शेड में नहीं आनी चाहिए, आपका शेड इससे गीला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप एक बार देख सकते हैं कि इससे जो शेड की पूरी हीट है, दोस्तों जो हीट होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और इससे अपनी जो सारे शेड की हीट है वो इस शेड से बाहर चली जाती है और इससे शेड में हवा बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेट होती रहती है। दोस्तों उस शेड की अगर खर्चे की तुलना हम इस शेड से करेंगे तो उस शेड पर अपना जो खर्चा आया था वो 2.5 लाख रुपए आया था, इस शेड पर अपना जो खर्चा आया था वो 1,07,000 रुपए आया था। दोस्तों इस प्रकार हमने ये जो गार्डर लगे हुए हैं इन पर थोड़े लटका करके पंखे लगाए हैं। दोस्तों ये जो पंखे हैं अपने पूरे 45 फुट के शेड में सिर्फ 3 लगे हुए हैं और सभी पशुओं को बराबर से हवा आती है, हमें फोगर वगैरह इस शेड में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों शुरुआत में हमने इसी शेड से अपना डेयरी फार्म शुरू किया था और अभी पहले हमने पक्का शेड छत वाला शेड डालकर ये शेड डाल करके और उसके बाद तो अभी अपने जो काउस हैं उस शेड में शिफ्ट कर दी गई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगली वीडियो आपके स्टॉप कर चाहते हैं ये भी सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, सत श्री अकाल।